Good morning to all of you. In the last lecture, we have discussed about the motor car facility. इसके अंदर हमने first topic को discuss कर लिया था, अगर car खुद नियोक्ता की हो या फिर employer की हो या फिर उसने employer ने उस car को किराए पर लिया हो या खरीद करके तुम्हें चलाने के लिए या फिर use करने के लिए दी हो. Okay? इसके अंदर हमने तीन conditions को discuss किया था. एक तो ये थी कि तुम्हारी official purpose के लिए अगर ये use करता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, पूरी की पूरी जो वैल्यू है कार की वो क्या कहलाएगी, नील. क्योंकि ऑफिस पर्पस के लिए कर रहा है, ऑफिस के काम के लिए कर रहा है, तो ऑफिस के काम के लिए अगर कोई गाड़ी का यूज करता है तो ऑफिस आने जाने के लिए करेगा, या फिर ऑफिस का कहीं गुड से या फिर कोई सप्लाई करनी होगी उसके लिए करेगा. तो इस कंडीशन में ऑफिस के खर्चे को मान करके इसकी कार की वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी. बट अगर वो कार का यूज अपने पर्सनल वर्क के लिए करता है, अपने घूमने के लिए, अपनी फैमिली को घुमाने के लिए या फिर किसी और अदर वर्क के लिए करता है, तो इस कंडीशन में हमने देखा था हमारे पास में क्या था कि एक्चुअल एक्सपेंसेस यानी टोटल कितना खर्चा हुआ है घूमने के लिए, फिर हमने कितनी रनिंग एक्सपेंसेस, रनिंग चलाने पर कितना खर्चा हुआ किसी को, फिर ड्राइवर सैलरी, अगर ड्राइवर है तुमको ड्राइवर की फैसिलिटी दी हुई है तो उसकी सैलरी लेके तुमने कितना खर्चा किया वो अपन देखेंगे. इफ और लास्ट में क्या था तुम्हारा 10% ऑफ कॉस्ट, यानी कि अगर खुद की है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे, और अगर किराए पर ले रखी है तो हायर चार्ज जो तुम वहां पे करने वाला है नियोक्ता वो ऐड करेंगे. ओके, और तीसरी कंडीशन थी पार्टली यूज फॉर ऑफिस एंड पार्टली यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, यानी कि मैंने क्या किया, कुछ आधी यूज के लिए, कुछ समय के लिए ऑफिस पर्पस ऑफिस में यूज किए और कुछ मेरे पर्सनल वर्क के लिए यूज किए. इस कंडीशन में पास दो कंडीशंस थी कि अगर एक्सपेंसेस सारे के सारे एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के द्वारा पेड किए जाए तो क्या होगा, और अगर सारे के सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के द्वारा, कौन से, वो भी उसके प्राइवेट पर्पस के वर्क के एक्सपेंसेस, यानी कि उसने प्राइवेटली जो कार प्राइवेट पर्पस के लिए जो कार यूज किए उसके एक्सपेंसेस को ही उसमें ऐड किया जाएगा. ओके, यहां तक कंप्लीट हुआ. आज हम बात करेंगे कार ओन और हायर बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई. अब यहां पर भी फिर से तीन कंडीशंस होगी तुम्हारी. फर्स्ट है यूज फॉर ऑफिस पर्पस. अगर मैं कार का यूज ऑफिस पर्पस के लिए करता हूं, एम्प्लॉय की कार है और यूज किसके लिए हो रहा है, ऑफिस पर्पस के लिए, यानी कि कर्मचारी खुद की कार है, उसने खुद ने किराए पे लिए और वो उसका यूज कर रहा ऑफिस के लिए कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील. इस पर किसी टाइप की कोई भी उससे अगर मिल रहा है फैसिलिटी तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसकी फैसिलिटी की वैल्यू कर देगी नील. इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना है. और अगर वो यूज प्राइवेट पर्पस, यानी क्या हो रहा है, मैं अपने प्राइवेट वर्क के लिए यूज करता हूं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में वैल्यू होगी एक्चुअल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय वैल्यू इक्वल्स टू एक्चुअल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉय, यानी कि कह सकते हैं वो खर्चे जो एम्प्लॉय ने वहन किए हो वही तुम्हारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ कार. वो खर्चे जो कर्मचारी ने किए हो वही तुम्हारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ कार की फैसिलिटी. अब नेक्स्ट तुम्हारे पास तीसरी कंडीशन से, इसके लिए मुझे इन दोनों को रफ करना होगा, तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं हमारी तीसरी कंडीशन. थर्ड कंडीशन तुम्हारी है पार्टली यूज ऑफिस एंड ली यूज प्राइवेट, यानी कि कुछ समय के लिए ऑफिस यूज करता हूं और कुछ समय के लिए प्राइवेट वर्क के लिए यूज कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में दो कैटेगरी फिर से आने वाली है. पहले देखना होगा कि सारे के सारे खर्चे कौन वहन कर रहा है. अगर सारे के सारे खर्चे
all expenses paid by employee. अगर सारे के सारे खर्चे कौन पे कर रहा है, employee पे कर रहा है, तो इस condition में क्या होगा, अब कार की यहां पर की दी होगी कैपेसिटी दी होगी, तो तुम्हारे पास में पहली कैपेसिटी दी हुई है अप टू 1.6 लीटर का, यानी कि 1.6 लीटर वाली कैपेसिटी कार है, तो इस कंडीशन में वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी एक्चुअल एक्सपेंसेस यानी कि टोटल तुम कितना एक्सपेंसेस कर रहे हो, ठीक है, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 800 रुपीस पर मंथ, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंसेस फैसिलिटी कितनी दी हुई है 800 रुपीस, और यदि इसके साथ तुम्हें ड्राइवर की फैसिलिटी गिवन हो, ड्राइवर फैसिलिटी भी गिवन है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 900 रुपीस पर मंथ के अकॉर्डिंग ड्राइवर की सैलरी भी एड की जाएगी। ओके, फर्स्ट क्या हो गया एक्चुअल एक्सपेंसेस 800 रुपीस पर मंथ, बट अगर तुम्हें ड्राइवर भी दिया हुआ है, कंपनी ने ड्राइवर भी दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे, सॉरी ड्राइवर की सैलरी यहां पर रहेगी 2700 रुपए पर मंथ, 900 रुपए जब तुम्हारी एम्प्लॉयर की कार हो तब होती है, अगर तुम्हारी खुद की कार है तो कितनी हो जाएगी ड्राइवर की सैलरी 2700 रुपए पर मंथ। अगला, अगर तुम्हारी कार जो अबाव 1.6 लीटर है, समझ रहे हो, एक तो हो गई अप टू 1.6 लीटर, एक हुई अबाव 1.6 लीटर, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस तो वही रहेंगे तुम्हारे, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे तुम्हारे, पहले से 800, अब कितने हो जाएंगे 1200 रुपए पर मंथ, यहां पर कितने थे 1.6 लीटर में खर्चा कितना किया था कंपनी ने 800 रुपए पर मंथ, बट 1.6 लीटर ज्यादा हो जाएगी तो खर्चा कितना हो जाएगा कंपनी का 1200 रुपए पर मंथ, बट अब ड्राइवर सैलरी की बात कर लेते हैं, इफ का मींस क्या हुआ कि अगर कंपनी ने तुम्हें ड्राइवर की फैसिलिटी दी हुई है तो ही तुम उसमें ऐड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, तो तुम्हारी ड्राइवर सैलरी कितनी हो जाएगी, ड्राइवर सैलरी है तुम्हारे पास में 2700 रुपए पर मंथ, ड्राइवर की सैलरी चेंज नहीं होगी, ड्राइवर अगर 1.6 लीटर की कार चलाएगा तो भी वही सैलरी लेगा, और ड्राइवर का अगर 1.6 लीटर से ज्यादा ही सैलरी, ज्यादा ही हैवी कार लेंगे तो भी उसकी सैलरी तो सेम ही रहेगी। ओके, कंप्लीट, यहां तक ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, जिसके बिहा पर हमें क्या करना है, कार की फैसिलिटी का यूज कैसे क्या होता है वो देखना है, ये तुम्हारा हो गया कार की फैसिलिटी, हमें क्या दी है ओनली मोटर कार की फैसिलिटी दी है, अब अगर मैं ये कहता हूं कि कार के अलावा तुम्हें कुछ और दे दिया हो फैसिलिटी के रूप में आने जाने के लिए कन्वेंस के रूप में, जैसे कि कोई बाइक दे दी हो, या फिर कह सकते हैं कि किसी टाइप की कोई अदर फैसिलिटी दी हुई, कैब दी हुई है, कुछ भी दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे देखते हैं, कन्वेंस अदर देन कार, कन्वेंस अगर तुम्हें कार के अलावा कोई फैसिलिटी दी है, कार नहीं दे रखी, कार का बाइक दे रखी या कुछ और दे रखा है, तो इस कंडीशन में ऑफिस पर्पस के लिए अगर तुम उसका यूज करते हो तो वो क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी नहीं, बट अगर तुम प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करते हो या पार्टली ऑफिस या पार्टली पार्टी ऑफिस और पार्टी प्राइवेट, तो इस कंडीशन में कैसे क्या करोगे, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक्चुअल एक्सपेंसेस भी मिलेगा, वो तुम्हारा कितना होगा 900 रुपीज
यानी कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना रहेगा 900 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या मिल जाएगी, कार की वैल्यू लग जाएगी, यानी इतनी तुम्हें जो फैसिलिटी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी। ओके, वैल्यू इक्वल्स टू क्या जाएगी, एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 रुपीज। कंप्लीट यहाँ तक कंप्लीट। अगर तुम्हें फर्स्ट कार था, फिर तुम्हारे पास में अदर देन कार यानी कोई बस फैसिलिटी दे रखी हो कि आने जाने के लिए, या फिर उस तरह बाइक दे रखी हो, या फिर उस तरह किसी ट्रेन का पास दिया हो, रोडवेज का पास दिया हो, तो इन सब के लिए क्या हो गया, ऑफिस पर्पस के लिए दिया हुआ है तो नहीं, बट अगर तुम्हें पार्टी ऑफिस और पार्टी प्राइवेट के लिए भी दिया हुआ है तो उसका जिसमें तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 रुपीज। ओके, बट ये किसके लिए होंगे, ओनली प्राइवेट काम के लिए, ऑफिस वर्क की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ऑफिस वर्क का काम ऑफिस के लिए ही कहता है, इसलिए ऑफिस का काम अगर तुम ऑफिस के पैसे से नहीं करोगे तो क्या तुम्हारे पैसे से करोगे, नहीं कर सकते ना, ऑफिस में जहां ऑफिस में काम करते हो वहीं पे पैसा लगे, वहीं का काम करोगे, तो इसलिए ये वैल्यू ओनली किसकी होगी, प्राइवेट पर्पस के काम की ही वैल्यू काउंट करेंगे, ऑफिस पर्पस की वैल्यू काउंट नहीं करते हैं, वो ऑफिस फ्री होता है तुम्हारा। ओके, ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट मोटर कार, देन सेकंड कन्वेंस अदर देन कार। अब अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें एक से ज्यादा कार दी हुई है, यानी एक ऑफिस के लिए दी हुई है, एक तुम्हारे प्राइवेट पर्सनल वर्क के लिए दी हुई, तुम्हारे घर पे रख रखी है, यानी दो दो कार दे रखी है तुम्हें, तो इस कंडीशन में तुम्हारी फैसिलिटी क्या होगी, तो मोर देन वन कार, एक से अधिक कार अगर तुम्हें दे रखी है तो तुम्हें क्या करना है। ओके, तो अब इसमें भी वापस फिर से अप टू 1.6 लीटर, अगर 1.6 लीटर तक है या फिर अबाउ 1.6 लीटर, दोनों कंडीशन से, एक तो अप टू 1.6 लीटर, एक अबाउ 1.6 लीटर, अगर तुम्हें दे रखी है तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो विद ड्राइवर और एक हो गया विदाउट ड्राइवर। अगर तुम्हें ड्राइवर के साथ में फैसिलिटी मिलती है तो क्या हो जाएगा, 1800 रुपए तो एक्चुअल एक्सपेंसेस के, और 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर, सॉरी हाँ 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के। अगर विदाउट ड्राइवर है तो ओनली क्या हो जाएगी तुम्हारी, 1800 रुपए पर मंथ, 900 रुपए ड्राइवर के एड नहीं होंगे। अब अगर बात करते हैं अबाउ 1.6 लीटर में, इसमें भी वही है विद ड्राइवर और विदाउट ड्राइवर। अगर 1.6 लीटर से ज्यादा दे रखी कार तो यहां पर 2400 रुपए पर मंथ तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, एक्चुअल एक्सपेंसेस, और ड्राइवर की सैलरी कितनी होती तुम्हारे पास में, 900 रुपए पर मंथ। यहां पर भी क्या हो जाएगी, ओनली विदाउट पे 2400 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना होगा, वैल्यू चार्ज करनी होगी। कंप्लीट यहां तक। अब अपन ने क्या पढ़ लिया, एक तो पढ़ लिया कि अगर मोटर कार की फैसिलिटी हो, सेकंड अपन ने पढ़ा कन्वेंस अदर देन कार, थर्ड अपन ने पढ़ा अगर एक से ज्यादा कार मिल रही है तो यहां पर तुम्हें याद क्या रखना है, हमें ओनली ये रखना है पहले कि लीटर गाड़ी कितने लीटर की है, फिर उसके बाद ये कहां किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, प्राइवेट पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए, या फिर पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट। अगर ऑफिस पर्पस के लिए कुछ भी यूज हो रहा है तो उसमें वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, नील। बट अगर तुम्हारी, अब बात करते हैं कि प्राइवेट या फिर पर्सनल या फिर पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, अगर तुम पूरी पूरी कार का प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो इस कंडीशन में जो भी खर्चा हुआ है कार, एक तो फर्स्ट एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस रनिंग एक्सपेंसेस प्लस उसमें अगर तुमने कह सकते हैं कि ड्राइवर की सैलरी तो वो ऐड करनी है, प्लस कॉस्ट ऑफ अगर खुद की खरीद कर फिर इम्प्लॉयर तुम्हें दे रहा है तो कॉस्ट ऑफ कार का 10% ऐड करना है, और अगर एम्प्लॉयर तुम्हें किराए पर ले करके कार की फैसिलिटी दे रहा है तो तुम कितना ऐड करोगे, हायर चार्ज जो किराया वो सामने वाले को पे कर रहा है वो तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, और अगर तुम उसी कार का यूज प्राइवेट और पर्सनल क्या कहते हैं प्राइवेट और ऑफिस दोनों पर्पस के लिए करते हो तो इस कंडीशन में प्राइवेट पर्पस पर जो यूज करोगे उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2400 रुपए और 1200 रुपए, दो अमाउंट याद रखना 2400 1200, यानी कि अगर तुम
एम्प्लॉयर की खुद की कार है और उस कार का यूज पार्टली ऑफिस और पार्टली उसके लिए करते हो, तो तुम्हें क्या करना है, 2400 रुपए, तो 1.6 लीटर से अबाउ की कार है, और अगर तुम्हारी कार का उपयोग 1.6 लीटर से कम है तो 1800 रुपए और 900 रुपीज पर मंथ की अकॉर्डिंग ड्राइवर सैलरी। ओके, फिर तुम्हें क्या करना है, अगर कार किसकी हो, एम्प्लॉयर की हो, एम्प्लॉई को हो, तो पेपर ने पूरा डिस्कस किया था। फिर अपन ने पढ़ा था कि कन्वेंस अदर देन कार, और लास्ट अपन ने पढ़ा था मोर देन वन कार। ओके, यहाँ तक कंप्लीट, ये तुम्हारी क्या हो गई आज कार की फैसिलिटी का कंप्लीट हुआ। अब इसका क्वेश्चन है कार का, तो एग्जाम में बहुत कम आता है, तो इसलिए इसको खाली एक बार देखना है। हमें पढ़ना है ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी तुम्हारी, या फिर कह सकते हैं कि रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, यानी जो तुम्हारे अलाउंसेंस है और प्रोविडेंट फंड है उनको अच्छे से पढ़ लेना इनकम टैक्स सैलरी के टॉपिक में। अगर तुम ये सारे पढ़ोगे तो तुम्हारी सैलरी क्या हो जाएगी, बहुत स्लिप होने लग जाएगी माइंड से, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे प्रोविजन है और एग्जाम में इन प्रोविजन को नहीं पूछा जाता है, ओनली क्या पूछा जाता है, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, या फिर तुम्हारी क्या कह सकते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।